आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें अप्रोप्रिएटली फिलअप करना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कौन से टाइप का होता है, ये हमें बताना है। तो पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना जो है साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच के लिए। कॉकरोच की सबसे कॉमनली पाई जाने वाली और सबसे एक्सटेंसिवली स्टडी की जाने वाली ये स्पीशीज़ है पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। और कॉकरोच हमें मालूम ही है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, एक तरह का ये इंसेक्ट है, और इसीलिए इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या कह सकते हैं हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारी तरह वेल डेवलप्ड तो होगा नहीं, और ये ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप यानी हमारा जैसे ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहता है, हमारी बॉडी कैविटी के अंदर फैलता नहीं है, हमारे ऑर्गन्स इसमें भेद नहीं करते हैं, लेकिन इसका ब्लड इसकी बॉडी कैविटी में बहता रहता है। तो प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं रहता, ओपन टाइप का इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। तो जिसमें भी क्लोज्ड लिखा है वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन ए तो गलत ही होगा। इसके बाद में दूसरा है ब्लड वेसल्स इसके कैसे होंगे। अब ब्लड वेसल ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में पुअरली डेवलप्ड ही होंगे, ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते तो प्रॉपरली ब्लड उनके अंदर ही फ्लो करता, बाहर निकलता ही नहीं, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का हो जाता। ओपन टाइप का है तो मतलब ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स इसके पुअरली डेवलप्ड है, तो एबसेंट कहना भी सही नहीं होगा। बी में हमारा पुअरली डेवलप्ड आना चाहिए ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। फिर कह रहा है कि इसके विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स यानी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब ये लोकेटेड होते हैं इसकी बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हीमोसील का नाम दिया जाता है। हीमोसील इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी कैविटी में ही भरा रहता है, पोर होता रहता है, और इसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं इसमें भेद होते रहते हैं, इसीलिए बॉडी कैविटी को हीमोसील हम कहते हैं। तो हीमोसील इसकी बॉडी कैविटी को नाम देंगे। अभी तक बी और डी दोनों ही सही है, लेकिन आगे हम देखें तो लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी कैविटी, इसका हीमोसील किससे भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड से जिसमें डी और ई हमें मिलेंगे। तो अब कॉकरोच के ब्लड की अगर बात करें, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसमें आरबीसी और हीमोलिम्फ हमें मिलेंगे, तो ये बात गलत हो गई। ये जो फ्लूइड है इसी का नाम हीमोलिम्फ होता है, और इसमें हमें रेड ब्लड सेल नहीं मिलेंगे। कॉकरोच का अगर हम ब्लड देखेंगे तो ये कलरलेस या वाइटिश टाइप का होता है, हमारी तरह इसका रेड ब्लड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा ब्लड, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इस तरह के क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, लेकिन इसके पास में इस तरह का कोई भी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो इसके ब्लड में हमें रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलेंगे। इसका ब्लड जो इसकी बॉडी में फ्लूइड भरा रहता है हीमोलिम्फ कहलाता है, जो कि कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स यानी ब्लड के जो सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनसे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही आंसर कर देंगे। कॉकरोच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलेगा, क्योंकि इसकी ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड हैं, और इसके हीमोसील में इसके सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है या इसका जो ब्लड होता है वो बना होता है इसके कलरलेस ब्लड प्लाज्मा और हीमोसाइट्स से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।